प्रतापगढ़ विधानसभा विश्वनाथगंज क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी संजय पांडे का क्षेत्र की जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन सहयोग। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी से टिकट ना पाकर सहयोगियों के कहने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा विश्वनाथगंज क्षेत्र से लड़ रहे चुनाव। बातचीत के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी संजय पांडे ने कहा, क्षेत्र की जनता का विश्वास मिला तो हर परिवार के सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। सर, चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पार्टी से आहत हुए हैं, जनता आप पर भरोसा कर रही है, क्या कहेंगे जनता के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने इस परिवार का। जी जी, सुनाथगंज केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं है मेरे लिए। जी, तो सुनाथगंज मेरा घर और मेरा परिवार। जी, और पिछले 8 वर्षों से जी अनवरत में दिन रात यहाँ जी सेवा करने का काम कर रहा हूँ। जी, और परिवार में जहाँ भी मुझे सुख दुख में बुलाया जाता है मैं शामिल होता हूँ। जी, और उसके पहले पूर्वत में मेरे पिताजी यहाँ से मंत्री रहे, विधायक जी, जी। स्वर्गीय राजा राम पाणी जी का विधानसभा क्षेत्र है जी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता बना हुआ है जी। और मेरे पिता के बाद मैं और मेरे बाद मेरे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ होंगी वो भी सेवा करने का काम करें जी। जी, जैसा कि ये लगभग 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ तेजी से लहर आपकी क्षेत्र में दौड़ रही है, क्या विश्वास दिलाएंगे जनता को? मैंने फिर कहा ना आपसे कि ये विश्वनाथगंज में क्षेत्र में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं जी, और लोगों के लिए जनता और नेता का चुनाव है जी। लेकिन ये प्रतापगढ़ में विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है जी, ये वहाँ के बेटे और भाई के चुनाव है जी। जहाँ की जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, इस बार कोई पार्टी या दल चुनाव नहीं लड़ रहा है जी। पूरे विश्वनाथगंज में जितने भी बुजुर्ग हैं वो मेरे पिता बन करके, और जितने भी नौजवान साथी हैं मेरे भाई बन करके मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, और माताएं मेरे। प्रतापगढ़ से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, पी न्यूज।